दोस्तों दुनिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है। यहाँ पर लाखों लोगों का पेट पलता है, परंतु बॉलीवुड जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है, क्योंकि बॉलीवुड में इतने सारे नाजायज रिश्ते बनते हैं जिनसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और हमारे बॉलीवुड में बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी हैं जो जाने अनजाने में काफी गलतियां कर बैठती हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही हीरोइंस के बारे में बताएंगे जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। नंबर एक, कोंकणा सेन शर्मा। कोंकणा सेन बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपना किरदार बखूबी निभाया है, परंतु ये चर्चा में जब आई जब इन्होंने रणवीर सोरी से शादी कर ली और शादी के पांचवें महीने में ही इनको बच्चा पैदा हो गया। और जब ये बात सभी लोगों के सामने आई तब ये पता चला कि ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली थी। फिलहाल इन दोनों का तलाक हो चुका है। नंबर दो, श्रीदेवी। श्रीदेवी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी क्योंकि उनका बोनी कपूर के साथ 3-4 साल से अफेयर चल रहा था। और जब ये प्रेग्नेंट हुई तो बहुत ही जल्द बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी कर ली थी। नंबर तीन, महिमा चौधरी। महिमा चौधरी को बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। उनका नाम बहुत बार सुभाष घई के साथ जोड़ा गया तो कई बार काले धन के साथ भी जोड़ा गया। जब उन्होंने बॉबी मुखर्जी से शादी की तब ये बात सामने आई कि ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। अब उनकी बच्ची काफी बड़ी हो गई है। नंबर चार, सारिका। सारिका यानी श्रुति हसन की माँ और कमल हसन की पत्नी। किसी जमाने में दोनों का अफेयर 3 साल तक चला। जब कमल हसन सुपरस्टार थे, सारिका ने अपनी बेटी श्रुति को शादी से पहले ही जन्म दिया था और बाद में शादी कर ली। ये बात सबके लिए चौंकाने वाली थी। नंबर पाँच, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ का अफेयर सलमान खान और रणवीर कपूर जैसे बहुत से एक्ट्रेस के साथ रहा है, परंतु हैरानी की बात तब हुई जब कैटरीना कैफ को अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल में 3 से 4 बार सपोर्ट किया गया और बाद में ये साफ हो गया कि वे प्रेग्नेंट थी। तो दोस्तों आप इन हीरोइंस के बारे में क्या कहेंगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।